कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें लगता है कि अब तो बस हम हार गए हैं, अब इसके आगे हम नहीं लड़ सकते। यही फर्क है एक आम इंसान में और ध्यान करने वाले इंसान में। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है उसमें वो शक्ति होती है कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आसानी से संभाल लेता है। उसका मनोबल हर दिन सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जाता है। उसको अचानक नए तरीकों से किसी न किसी का समर्थन मिल जाता है। वो कभी अकेला नहीं लड़ता, उसके साथ इस समाज की दिव्य शक्तियां लड़ती हैं। उसके साथ परमात्मा की शक्ति होती है जिससे सही लोग सही अवसर उसको हमेशा दिखते रहते हैं और कई जगहों पर वो आसानी से विजयी हो जाता है। तो रोज ध्यान करने से आप अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बैठते हैं ध्यान में, क्योंकि किस तरह की परिस्थिति आगे आए ये तो हम जानते नहीं, मगर उससे कैसे लड़ना है ये हम आज से जान सकते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, हथेलियां गोद में रख लें, आंखें बंद कर लें और चेहरे पर एक मन सी मुस्कान आने दें। एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे शरीर में रोक लें और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को नीचे होते हुए देखें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, उसे रोक लें और सांस छोड़ते हुए शरीर को पूरी तरह से हल्का होता हुआ देखें। देखें कि सारा तनाव शरीर से पिघल रहा है और कहीं पे भी आपको रुकावट महसूस हो, तनाव महसूस हो, तो अगली सांस वहीं पर केंद्रित करें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, अंदर रोकने के बाद अब मुंह से सांस छोड़ते हुए सारे तनाव को बाहर जाने दें, शरीर से दूर जाने दें। सांस को निरंतर चलने दें आराम से। देखें कि मेरी सांस गहरी है या नहीं, शरीर के किस हिस्से तक मेरी सांस जा रही है। अपने मन को ताकतवर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मन से एक अच्छे भाव से बात करें। जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं वो तय करता है कि दुनिया में सब हमें किस रूप में देखेंगे। अगर हम अपने आप को सदा कहते रहते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं गलतियाँ करता रहता हूँ, ये तो मुझसे हमेशा ही खराब होता है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो हम रोज़ अपने आप को दंडित कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। इस मानसिकता से हम जीवन में कभी विजयी नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद के सबसे बड़े समर्थक हों, हम खुद के सबसे बड़े प्रेरक हों। हमें खुद को रोज़ प्रोत्साहित करते रहना है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए हमें खुद को रोज़ प्रेरित करते रहना है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं काबिल हूँ। मैं भले ही कुछ गलतियाँ कर चुका हूँ अतीत में, लेकिन आज इस पल में मैं अपनी पूरी चेतना का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ सही काम करूँगा। मैं जिस भी चीज़ को छूता हूँ वो सही तरीके से चलने लगती है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें इस संसार की सारी शक्ति समाई हुई है और उसे आज से मैं सक्रिय होने की आज्ञा देता हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं विवेक से काम लेकर हर स्थिति को उसके अंत तक पहुँचाता हूँ। मुझ में सहन शक्ति है और मैं शांति से हर स्थिति का अच्छे से आंकलन करके उसको अंजाम तक पहुंचाता हूँ। मैं सहनशील हूँ, मैं शांत हूँ,
मैं बलवान हूँ। जिस व्यक्ति को मैं सर्वशक्तिशाली मानता हूँ, उस व्यक्ति की शक्तियाँ अब मेरे साथ हैं। मैं अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी हर परिस्थिति के लिए आभारी हूँ, क्योंकि इन परिस्थितियों से ही उभर कर मैं अपने जीवन का नायक बनूंगा और सबके लिए एक मिसाल बनूंगा। मैं काबिल हूँ, मैं हर स्थिति को सुलझा सकता हूँ। मुझ में ये शक्ति अब पूरी तरह समा गई है। कुछ पल हम स्थिति में रहेंगे और इसे अपने अंदर बहने देंगे। जब भी आपको अपने ऊपर संदेह हो कि आप काबिल नहीं हैं, तो इन वाक्यों को अपने मन में जरूर दोहराएं। आपके अंदर वो शक्ति आने लगेगी। रोज अपने आप को इन्हीं वाक्यों से प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मनोबल बढ़ चुका है।